नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा। आज आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 mm वाला कैसे हम इससे रीडिंग लेंगे सबसे कम समय में और हिंदी में मैं इसकी जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, आइए रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास 0 से 25 mm वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अब हम इससे रीडिंग पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर में देखते हैं प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये हमारा फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम आपका है। ये हमारा एनविल है, ये हमारा स्पेंडल है। स्पेंडल के बाद ये स्लीव है, स्लीव के बाद ये पूरा रोटरी स्केल है हमारा, ये ग्रिप है और ये रेचेट है। साथ में ये लॉकिंग है, लॉक इससे स्क्रू करते हैं। तो 0 से 25 वाला mm वाला हमारे पास माइक्रोमीटर है, तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 mm है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकालना है। तो उससे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें जो स्लीव है, ये वाला स्लीव कहलाता है। इस स्लीव पर तीन स्केल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पहला जो स्केल है ये मैन स्केल है। मैन स्केल की रीडिंग 0 से लेके 25 mm तक है। 0 से लेके 25 mm तक हमारे पास मैन स्केल की रीडिंग है। ये वाला रोटरी स्केल कहलाता है। रोटरी स्केल में 0 से 45 वापिस है, 50 mm तक का हम लोग ये देख सकते हैं। और सबसे ऊपर जो स्केल है ये बर्नियर स्केल है। बर्नियर भी 10 mm तक देख सकते हैं, 10 रीडिंग, 10 mm, 2, 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक, आखिरी में 0 दिख रहा है आपको। तो इससे हम लोग रीडिंग लेंगे, बर्नियर स्केल की रीडिंग। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो माइक्रोमीटर है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल टूल्स आता है, उस स्पेशल टूल्स को हम लोग लगा के, मेजरिंग टूल्स के नाम से है, मेजरिंग टूल्स लगाएंगे। ये 25 mm का एक स्पेशल टूल्स है, इसे यहाँ पर रख के इसे पूरा का पूरा कवर करते कसते हैं रेचिट से। ये देखिए, यहाँ कसने के बाद आप देखेंगे स्लीप की सेंटर लाइन जो दिख रही है यहाँ से पूरा, ये 0 से मैच कर रही है, मतलब हमारा जो माइक्रोमीटर इसका कैलिब्रेशन सही है। अब हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैन स्केल में 0 सबसे बड़ा, फिर एक छोटी सी लाइन है, इसको बोलते हैं सब डिवीज़न, और जो बड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं मैन डिवीज़न, सब डिवीज़न, मैन डिवीज़न। ऐसे करके पूरा 25 तक यहाँ पर गया हुआ है। रीडिंग हमें यहाँ पर लेनी है। अब हम लोग रहते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लिस्ट काउंट। क्या निकालना है? लिस्ट काउंट। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, जीरो से 25 mm वाले में हमें लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने का सबसे सरल तरीका, ये हमने मैन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग लेनी है, हमें मैन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग, उसके बाद भागित करना है रोटरी स्केल की सबसे बड़ी रीडिंग माप, और उसमें भागित कर देना है बर्नियर स्केल की सबसे बड़ी। तो इससे हम जो होएगा हमारा वो लिस्ट काउंट निकल आएगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकला हुआ है वो 0.01 mm है। अब ये कैसे है देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास माइक्रोमीटर है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर में हमने पूरा इसको खोल के रखा हुआ है, तो मैक्सिमम मैन स्केल की रीडिंग 25 है, लेकिन सबसे कम रीडिंग हम कौन सी ले पा रहे हैं वो 0 के बाद हमें देखना है। 0 के बाद एक छोटी वाली लाइन है, इसका मतलब होता है ये सबसे कम वाली लाइन है। तो 0 से सबसे छोटी मतलब सब डिवीज़न, और फिर उसके बाद 1, तो सबसे छोटी जो लाइन है वो 0.5 mm की है, उसके बाद 1 mm, फिर ऐसे 0.5, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, ऐसे करके 3.5 mm। तो टोटल 0 से 5 तक जाने में 10 लाइन हमें यहाँ पर कवर करनी पड़ रही है। तो 1 लाइन जो है वो 0.5 की है। तो मैन स्केल की सबसे कम रीडिंग हुई हमारी 0.5 mm, ये हमने 0.5 mm लिखा रखा हुआ। हमने फिर इसमें भाग किया, और जो रोटरी स्केल है इसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, तो ये देखिए 45 के बाद 0 तक हम लोग जा रहे हैं, तो 46, 47, 48, 49 और 0 पर पहुंचकर 50। तो मैन स्केल की सबसे बड़ी जो रोटरी स्केल की जो सबसे बड़ी रीडिंग है वो हमारी 50 mm, ये हमने 50 यहाँ पर लिखा। अब आता है बर्नियर स्केल, इसमें तीन स्केल हैं। बर्नियर स्केल इसलिए है क्योंकि
पॉइंट के बाद थ्री रीडिंग हम लोग एक्चुअल में ले रहे हैं, जीरो के बाद, जीरो दशमलव के बाद तीन डिजिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। तीन डिजिट की रीडिंग सबसे शुद्ध मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर यह बर्नियर है, तो बर्नियर स्केल की रीडिंग जो है अगर आप देखें तो यहाँ से आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, तो 10 टोटल कितना है, 10 लाइन है। अब 10 लाइन में हमें ये देखना है, ध्यान रखना है, तो 10 लाइन हम लोग यहाँ पर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 10 लिया, 10 लेने के बाद हमने सभी को भाग कर दिया, और भाग करने के बाद जो हमारा लिस्ट काउंट आया वो 0.00001 mm यहाँ पर लिस्ट काउंट आया। इस तरह हम 0 से 25 mm वाले की माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसकी रीडिंग, हमें रीडिंग कैसे लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, मुख्य स्केल की रीडिंग हमें प्लस करना है, कोष्टक में रोटरी स्केल की रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल की रीडिंग, और कोष्टक बंद करके मल्टीप्लाई इसमें गुणा हमें कर देना है लिस्ट काउंट का। ठीक है, तो हमने एक रीडिंग ली थी, नॉर्मल तौर पर लिखी हुई है लेकिन मैं अलग से एक रीडिंग यहाँ पर लिखूंगा। तो हमने क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वाल्व, ये वाल्व की रीडिंग लेते हैं, ये हमारे पास वाल्व है और वाल्व की रीडिंग हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो ये देखिए रैचेट की सहायता से आपको इसको रोटेट करना है, और इसको घुमाने के बाद देखिए पूरा मैं इसे लगाता हूँ, यहाँ करने के बाद इसे मैंने लॉक कर दिया। अब रीडिंग हम लोग यहाँ लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमें देखना है मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 हमें पूरा दिख रहा है, उसके बाद 6, 7, 7.5 सबसे छोटा देखिए 7.5 हमें यहाँ दिख रहा है, तो मेन स्केल की जो रीडिंग हुई वो 7.5 हुई। अब इसमें प्लस हम लोग करेंगे जो हमारा रोटरी स्केल है, तो रोटरी स्केल में हमें देखिए 45 यहाँ पर दिख रहा है और ये हमारा है 46। अब 46 के ऊपर जो मेन लाइन है स्लीप वाली, ये देखिए ये यहाँ से 45, 46 और 47 इस लाइन के ऊपर है, तो अगर इस लाइन के इक्वल होती तो हम वो रीडिंग लेते हैं, या इससे रीडिंग हमेशा नीचे लेनी है हमें, तो हमने अभी ली है 46। अब प्लस इसमें हम लोग करेंगे आपका बर्नियर स्केल। अब बर्नियर स्केल में देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, हमें इस तरह पकड़ना है और ये देखना है कि रोटरी स्केल की कौन सी लाइन बर्नियर स्केल से मेज कर रही है। तो इसमें जो लाइन मेज कर रही है वो हमें यहाँ से दिखेगी लगभग, ये देखिए 5 नंबर वाली पूरी मेज कर रही है, तो 5 वाली हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। ये देखिए 7.5 इसकी मेन स्केल की रीडिंग थी, प्लस 46 रोटरी स्केल की, प्लस 5 जो हमारे बर्नियर स्केल की, कोष्टक बंद करके हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया यहाँ पर, और हमारा जो आया, जो हमारी रीडिंग आई 7.551 mm इसकी थिकनेस है, वाल्व की जो दिख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वाल्व स्टेम की थिकनेस है। इस तरह हम लोग माइक्रोमीटर से कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। एक रीडिंग और लेकर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मेरे पास थ्रस्ट वाशर है, देखिए ये थ्रस्ट वाशर है। अब थ्रस्ट वाशर की हम लोग एक रीडिंग लेते हैं सबसे सरल तरीके से, इसको रैचेट की सहायता से टाइट करना है, किससे आए रैचेट की सहायता से, ये देखिए पूरा रैचेट की सहायता से मैंने इसे टाइट कर दिया और स्क्रू को मैंने लॉक कर दिया। अब हमें देखना है मेन स्केल कितना है हमारा, तो मेन स्केल जो आ रहा है इसमें देखिए 0 के बाद 1 डिवीजन सब डिवीजन है, फिर मेन डिवीजन है, तो टोटल डिवीजन कितना होगा इसमें 1, 2, 3, देखिए 3 लाइन आपको पूरी दिख रही है, 1, 2, 2.5 मतलब 2 लाइन पूरी दिख रही है और एक सब डिवीजन दिख रहा है 0.5 वाली, और उसके आगे की लाइन हमें नहीं दिख रही है, पूरा नहीं दिख रही है। अगर ये पूरी दिखती होती तो हम आगे जाते हैं। तो अभी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमारी रीडिंग है, आप देखिए 1, 2, 3 एक्चुअल में 3 पूरा दिख रहा है, देखिए हाँ 3 पूरा दिख रहा है, तो 1, 2 के बाद 0.3 पूरा दिख रहा है, तो 3 हमें पूरा दिख रहा है, तो इसकी मेन स्केल की रीडिंग हुई 3 प्लस रोटरी स्केल की रीडिंग कितनी है 15 के बाद 16, 17, 18 ये देखिए ये 18 है,
प्लस बर्नियर स्केल देखें हम लोग, बर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मिल रही है यहाँ पर मेज कर रही है इस तरह से, तो ये 4 नंबर की मेज कर रही है। लिस्ट काउंट, ये देखिए ये मेन स्केल की रीडिंग है, फिर रोटरी स्केल की प्लस बर्नियर की है, कोष्टक बंद करके हमने लिस्ट काउंट निकाला तो टोटल जो रीडिंग आई वो 3.022 mm आई। इस तरह हम लोग बर्नियर, इस तरह हम लोग माइक्रोमीटर की रीडिंग घर पर ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।